हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं अमित कंप्यूटर ट्यूटोरियल में। आज आपको व्हाट इज इनकम के बारे में बताया जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और हम जो भी चीज़ बताते हैं ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा, हम उसका क्लियरिफाई करेंगे। और मेरे साथ बने रहिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए अभी तुरंत। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनकम? इनकम क्या होता है? ऐसा बेनिफिट इसमें लिखा हुआ देखिए, इनकम इज इंक्रीजिंग इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो हमारा एक साल का जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें जो भी मेरा एसेट्स लायबिलिटी या जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है या जो भी मेरा पैसा आ रहा है, जो बेनिफिट हो रहा है वो इनकम कहलाता है। इनकम क्या होता है शॉर्ट में बताना है, इनकम जो भी अकाउंटिंग पीरियड में मेरा बेनिफिट हो रहा है, पैसा जो मेरा आ रहा है और सारा चीज मिला के, जैसे एसेट्स, आपका लायबिलिटी या जो भी चीज आपका सेलिंग पर्पस सेलिंग करके जो भी मेरा बन रहा है, जो भी मेरा पैसा बच रहा है वो इनकम कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, सेल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ ए कम्युनिटी। आप जो भी चीज सेल कर रहे हैं उससे जो मेरा पैसा आ रहा है वो भी जो मेरा जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है, वो मेरा जो पैसा है वो बनते जा रहा है जो भी हम सामान को सेल कर रहे हैं डायरेक्ट। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव ऑन ए बैंक डिपॉजिट। आप बैंक में जो पैसा रखे हैं उससे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी तो एक तरह का इनकम हो रहा है मेरा। गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ कंपनी एसेट्स। ये क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। रीवैल्यूएशन मतलब देखिएगा, हम लोग का कंपनी का अलग अलग एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है कि इसका सामान का कितना वैल्यू है, अभी कितना इसका अमाउंट है, अभी इसका कितना वैल्यू है, तो हम क्या किए, जैसे इसका ज्यादा रेट है तो हम क्या किए, अभी तुरंत बेच दिए। ये सब आपका चला जाता है मनी मतलब पैसा को बनाने में। रीवैल्यूएशन मतलब वही होता है, इसको सिंपल से समझिए, री इवैल्यूएशन मींस होता है कि आपका जो सामान है, एसेट्स है, उसका हम फिर से ये किए, वैल्यू किए कि उसका अमाउंट कितना होगा, उसका पैसा कितना हमको मिल रहा है। और अगर अच्छा दाम में हमको, जैसे सपोज सिंपल सा ये माउस है, हम माउस को क्या किए 250 रुपये में खरीदे और री इवैल्यूएशन या हमको इससे पता चला कहीं हमको 300 रुपये में ये सेल करने को मिल जा रहा है, एसेट्स, ये मेरा एसेट्स है, संपत्ति है, हम इसको सेल कर दिए और इससे भी हमको कुछ बेनिफिट हुआ, ये भी होता है। या फिर जो आपका खराब मटेरियल रहता है वो भी हम सेल कर देते हैं तो उससे भी मेरा एसेट्स जो मेरा वो भी तो एक तरह का मेरा एसेट्स है, संपत्ति है, उसको हम बेच दिए तो कुछ इनकम हो गया, ये सब इनकम में जाता। इनकम सिंपल सा बोलना है, इनकम होता है व्हाट इज इनकम मीन्स ऐसा बेनिफिट जो कि अकाउंटिंग पीरियड में आपको बेनिफिट दे रहा हो, पैसा बच रहा हो, वो इनकम कहलाता है। अब उसमें आप डायरेक्ट सेल कीजिए, डायरेक्ट जो भी आपको करना आप कर सकते हैं। अब आते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ इनकम। सबसे पहला है अर्न इनकम। अर्न इनकम क्या होता है? अर्न इनकम में इफ यू हैव ए जॉब ए रिसीव ए पेचेक यू मेक योर मनी थ्रू अर्न इनकम। आप जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट आपको अर्न के द्वारा, एक पेमेंट के द्वारा आपको इनकम हुआ, ये पहला हुआ, ये इसको बोलते हैं अर्न इनकम। इसमें लिखा हुआ वर्किंग ए जॉब, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, मतलब आपको अर्न इनकम हो रहा है, आपको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। या फिर ऑन ए स्मॉल बिजनेस, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो भी आप उससे पैसा कमा रहे हैं, खुद का इनकम आप अर्न कर रहे हैं। एनी अदर एक्टिविटी द पे बेसिक ऑन टाइम एफर्ट स्पेंड। अगर कोई भी किसी भी चीज़ में आप टाइम दे रहे हैं और एफर्ट अपना टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, वो भी एक तरह का एक्टिविटी होगा और वो भी अर्न इनकम होगा। जैसे आप सिंपल सा चीज़ है, अगर आप घर खेती भी कर रहे हैं तो खेती कर रहे हैं वो भी आपका अर्न इनकम हुआ, खुद का आप पैसा कमा रहे हैं ना। आप खेती में धान रोपे, धान से ये बना, फिर उसको सेल किए, सेल करने के बाद जो रेवेन्यू आया, जो मेरे पास पैसा आया, वो अर्न इनकम कहलाया, क्योंकि हम इसको सारा चीज खुद से किए। ग्लैम्बिंग होता है जुआ। आप जुआ भी देखिएगा, जुआ भी बहुत जगह खेलते हैं लोग,
तो उसमें भी जो अर्न होता है वो अपना ही अर्न होता है, अपना ही पैसा होता है। ये मतलब अगर सिंपल सा चीज़ है, अपना ही पैसा अर्न हो रहा है। अब आते हैं पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो क्या होता है? इनकम इसमें दिया हुआ है, इज मनी रिसीव फ्रॉम सेलिंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन मोर देन। पोर्टफोलियो इनकम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। पोर्टफोलियो इनकम इज मनी यू रिसीव फ्रॉम सेलिंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन व्हाट यू पेड फॉर इट। पोर्टफोलियो इनकम इज रेफर्ड टू एज कैपिटल गेन। जो हमारा पोर्टफोलियो मीन्स होता है ऐसा संपत्ति जिसको हम सेलिंग करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, वो पोर्टफोलियो इनकम कहलाता है। जैसे ट्रेडिंग एसेट्स, ट्रेड का जो भी ट्रेड मतलब व्यवहार होता है, एसेट्स मतलब संपत्ति होता है, लाइक स्टॉक, बॉन्ड, ठीक है, स्टॉक जो है मेरे पास रखा हुआ है वो भी पोर्टफोलियो इनकम है। उसके बाद बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, उसके बाद बाइंग सेलिंग रियल इस्टेट, रियल इस्टेट का जो भी मेरा जो रियल इस्टेट मीन्स होता है, हम एक बिल्डिंग को बनाए और उसको अलग अलग में बेच दिए, वो जो बेचते हैं वो रियल इस्टेट वाले रहते हैं। बाइंग ए सेलिंग अदर एसेट्स लाइक ए कार, आप कोई भी कार को सेल कर रहे हैं या बाई कर रहे हैं अपना, या अदर एसेट्स को सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, या लाइक ए कार भी लिखा हुआ है इसमें, आप वो भी इसमें कर सकते हैं पोर्टफोलियो इनकम में। अगर कोई भी पूछता है पोर्टफोलियो इनकम क्या होता है तो डायरेक्ट बोलना है पोर्टफोलियो इनकम जो मेरा सेलिंग को रिसीव कर, यहाँ देखिए मनी यू हैव रिसीव फ्रॉम सेलिंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेल हम क्या किए, पहले इन्वेस्ट किए और फिर साथ ही साथ किसी और को सेल कर दिए तुरंत, या कुछ समय तक में सेल कर दिए, ये पोर्टफोलियो इनकम कहलाता है। और उससे जो मेरा जो कैपिटल गेन हो रहा है, जो जो मेरा इनकम हो रहा है वो पोर्टफोलियो इनकम कहलाता है। आपको दिया हुआ ट्रेडिंग एसेट्स लाइक स्टॉक, स्टॉक जो मेरे पास सामान है वो, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, या फिर बाइंग ए सेलिंग रियल इस्टेट का जो भी घर वगैरह रहता है, बाइंग ए सेलिंग अदर एसेट्स जो भी एसेट्स है लाइक ए कार, और भी बहुत सारा इसमें एग्जांपल दिया हुआ है।